Rawalpindi Express has left the station. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू श्रोता यूट्यूब चैनल। मैच तो आपने देख लिया, पाकिस्तान ने आसानी मैच जीत लिया। थोड़ा मुश्किल किया अपने आप के लिए थोड़ी देर के लिए, वो तो टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर हाई करना होता पाकिस्तान ने, बट अदरवाइज पाकिस्तान हैज वन द गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और दो अहम चीज़ें हैं, एक तो टॉस थी जिसमें बहुत सारी स्पेकुलेशन थी पाकिस्तान यहाँ पे क्या करेगा टॉस जीत के, लेकिन पाकिस्तान का फैसला टॉस जीत के बहुत अच्छा था क्योंकि पता था विकेट स्टिकी है और इस विकेट में इतना मजे का बाउंस नहीं आ रहा। और जो एक चीज आ रही है वो राशिद लतीफ साहब आ रहे हैं, तो राशिद भाई मुबारक हो जी। लो जी, पाकिस्तान स्टार्ट किया अच्छा। पहली बात मैंने ये की जी, टॉस बड़ा अच्छा जीता उन्होंने। टॉस जीतने के बाद डिसीजन बहुत अच्छा किया उन्होंने। डिसीजन अच्छा था क्योंकि डे मैच है, डे नाइट नहीं है। डे नाइट में अगर बैटिंग होती है तो मुश्किलात होती है उसमें। बाबर आजम का डिसीजन बहुत अच्छा रहा, ऊपर से बैटिंग जो की है क्लासिक, और ऐसा लग रहा था कि हम 45th ओवर तक मैच जीत जाएंगे, खत्म कर देंगे। दोनों को क्रेडिट जाता है, इमामुल्लाह को भी जाता है, लेकिन जिस तरह से फिनिश किया ना उसमें मिडिल ऑर्डर पे दोबारा से हमें ना कंसर्न हो जाते हैं, होना नहीं चाहिए। लेकिन दानिश का पहला मैच था, फिर आसिफ अली जिनके ऊपर काफ़ी अहतमाद किया जा रहा है, लेकिन वो तो ये फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो सईम अशरफ हो जाए या शादाब, ये ऑलराउंडर हैं, ये ऊपर आने चाहिए, इनको ऊपर लाना पड़ेगा। लेकिन हमें एक मिडिल ऑर्डर एक प्योर चाहिए ही होगा, प्योर मिडिल ऑर्डर आपको फॉर्म करना। डॉक्टर नुमान नियाज हमारे साथ आ गए हैं, खुशी इनको ये है कि जी पाकिस्तान ने टॉस जीत के फैसला अच्छा किया। और सुबह में ये मसला तो आया, आप माने न माने, बॉल बल्ले पर नहीं आ रहा था। यूसुफ ने बहुत अच्छा शो किया, बहुत तगड़ी बारी की मिलर और स्टेशन ने दूसरा। सो वो भी यही कह रहा था शाम में कि बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, बॉल रुक के आ रहा था, अगर हम भी टॉस जीते तो हम भी बॉलिंग करते। बट पाकिस्तान ने फैसला बहुत अच्छा किया। फिर क्लासिकल इनिंग्स आ गई बाबर आजम की, ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर ऐसे नहीं बना बाबर आजम, कुछ वजह है बताओ जी। भाई 78 वनडे इंटरनेशनल हो, 3683 रन हो, 57.54 की एवरेज हो, 1300 गलत बटन दबा दिया मैंने तो इसमें क्या रह गया, मतलब क्या बात। सवाल पूछ लूं आप, क्या अगेन साउथ अफ्रीका कितने का एवरेज सेकंड इनिंग में बाबर आजम? नहीं सर, मैं इससे लायल नहीं हूं सर। 4-5 मैच से 2 सेंचुरी कर दी अगेंस्ट, यस। लेकिन एक बात, आप दोनों से किस कर रहा है इस मैच से पहले? आप दोनों से एक चीज पूछ, नहीं नहीं हम तो मुझे ये पूछनी है कि हम वर्ल्ड कप 2019 में भी हमने देखा कि बाबर आजम एक क्लास प्लेयर है, लेकिन डोंट यू थिंक कि ही हैज टू डेवलप बैटिंग डीप? आज भी 103 करके आउट हो गए, और डोंट यू थिंक कि उनको कोई इशू नहीं नज़र आ रहा था जिसमें? देखिए आप, देखिए आप इमाम को देखिए, इमाम बहुत अच्छा खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं। विकेट बहुत मज़े का हो गया था, बाद में विकेट आपको अलाउ कर रहा था कि आप ये भी खेल रहे हैं वो भी खेल रहे हैं। हालांकि जो अच्छे वे ट्रांसफर के साथ शॉर्टेज जिसने मारी वो लगी है पूरी इमाम की। दूसरी बात ये कि देखें पीछे हुआ था, एक ही बॉल पीछे, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा चल, लेकिन उसका बोझ बाबर आजम नहीं ले सकता, एक बात। बाबर आजम मिडिल ऑर्डर का बोझ नहीं ले सकता। अब मिडिल ऑर्डर का डिसीजन कौन लेगा राशिद भाई? ये बाबर नहीं लेना है। तो इस पे जरा एलैबोरेट करें। ये आज बहुत अच्छा हुआ, देखें फखर जल्दी आउट हो गए, लेकिन ये पार्टनरशिप ना ये 30 ओवर से ऊपर चली गई। yes. अगर बीच में खुदा ना खास्ता ये आउट होते तो फिर मिडिल ऑर्डर सर्वाइव नहीं करते, नहीं करते। टाइम बहुत ज्यादा बॉलती है और रन भी ज्यादा थे, तो ये क्रेडिट भी बाबर आजम और इमामुल हक को जाता है कि डीप वैसे नहीं खेल पाए, लेकिन काफी हद तक ये मैच को ले गए थे। 100 रन 90 रन रह गए थे। तो हमें बात वही मिडिल ऑर्डर की आ रही है, जो हमें T20 में भी हमने बात की है, कुछ प्लेयर ड्रॉप हो गए जिनको कंटिन्यू कर सकते थे, नहीं किया। लेकिन वनडे में भी अगर देखते हैं हमें नज़र आ रहा है एक वीक लिंक नज़र आ रहा है, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए मोहम्मद वसीम है या कप्तान है और हेड कोच है, इनको बड़ी समझदारी से काम लेना। दूसरा सवाल करना आपसे, वो मैंने ये करना है कि हमने अहमद वसीम को ड्रॉप किया और मोहम्मद नवाज को प्रेफर किया, और आज हमने दोनों को नहीं खिलाया और आसिफ अली को खिला दिया। क्या नवाज में ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो बैटिंग कर सके? देखिए ये बात क्रिटिसिज्म इसका बिल्कुल ठीक है अनुमान के, अगर आप देखें, अगर नवाज को आप लेंगे पूरा बैट्समैन है, पूरा बॉलर है 10 ओवर का। आसिफ का अगेन इज़ अ गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर। मुझे लगता है कि मैं राशिद भाई सुबह भी आया था के रोमान से भी कहा था कि शायद टी ट्वेंटी का बेटर फॉर्मेट का प्लेयर है, यहां से गेम चलाने के लिए मिडिल टाइप बंदा चाहिए आपको। वो अनफॉर्चुनेटली वो नजर नहीं आया उनमें, लेकिन पहली गेम है, ये नहीं कह सकते कि आप वो अच्छे नहीं है, वो खेल नहीं सकते, बहुत अच्छे हैं, प्रूव करें जाके, क्योंकि ये प्रूव करने का टाइम होता है। दानिश पहला मैच है, ठीक है, हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, आसिफ से एक्सपेक्टेशन थी,
अब मिडिल ऑर्डर जो अगेन हमारा तो जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है, फहीम चाहते हैं आप ऊपर आ जाए, शादाब चाहते हैं आप ऊपर आ जाए, दोनों में से बेन स्टोक की तरह आप चाहते हैं फहीम अशरफ को एक बनाया जाए। हाँ, फहीम अशरफ को बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर में हमें पूरा बैट्समैन चाहिए। पूरा क्या चाहिए फिर आप बता दें। टॉप ऑर्डर ही हो जाता है ना, T20 डिफरेंट गेम है टॉप, और वनडे टोटली डिफरेंट है। कौन चाहिए आपको? ये जो टेस्ट मैच जो खेलते हैं, देखिए मैच पावर हिटर आपके पास मौजूद हैं, शादाब भी आपको रन बॉल लेके चलता है, फिर वनडे में आपको T20 वाली पावर हिटिंग नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल क्रिकेट चाहिए। फहीम अशरफ हो गया, रिजवान हो गया, ये तीन बैट्समैन आपके पास वो हैं जो रन भी करते हैं और स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखते हैं। तो बीच में सऊद शकील जो अनफिट हो गए ना, उनकी जगह आसिफ आए, तो उनका बहुत अच्छा चांस था यहाँ पे खेलने का, और जो जो होता है बेहतरी की तरफ होता है। आसिफ ठीक है, बहुत क्रिटिसिज्म उनके ऊपर होता है, लेकिन पर्सनली मैं भी लाइक करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत कम देखा होगा कि आसिफ को मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि एक प्लेयर है यार, 10 में से 2 मैच भी जीता दे तो वो अपने काम। लेकिन शुएब भाई, फिर एक क्रेडिट तो आप देंगे ना कि आज की परफॉर्मेंस के बाद, जैसा भी राशिद ने कहा कि सऊद शकील सिलेक्टेड तो था, वो तो ही वाज इंजर्ड लास्ट मोमेंट, तो दिस मींस कि थिंकिंग तो ठीक थी, फिर आपने कोर तो अपनी बनाई हुई थी, बिल्कुल ठीक है। बॉलिंग पे आए थे जी, बॉलिंग आपको अपनी नवाज की बात की थी, दोनों ने इमारत की, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं थी, जो पिच देखी हमने, टॉस जीत के अगर हम 3 स्पिनर के साथ चले जाते तो शायद हम फंस जाते, तो हम लोग यहाँ से बैठ के हम ठीक है स्टैट्स देख के या प्लेयर की परफॉर्मेंस देख के हम बोल सकते हैं इमाद होता है या नवाज होता है, लेकिन क्या पिच की कंडीशन ऐसी थी और सुपर टॉस जीत के फीजिबल नहीं था। अच्छा, बॉलिंग पे आ जाए थोड़ा सा, हारिस लोफ 10 ओवर 72 आउट, शाहिनशाह अफरीदी जिन्होंने अर्ली 2 ब्रेक थ्रूज दिए, 55 पे 4 थे साउथ अफ्रीका, ये शेप से सवाल बनता है ये डॉक, मैं वही करने लगा हूँ आपसे कर रहा हूँ सवाल कि 61 रन उनको भी कंसीड हुए और पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में 1 विकेट ली 82 रन कंसीड। अग्रीड, सबसे टॉप क्लास बॉलिंग किसने की? ना ये क्रैम्प ना पड़ता होगा, फहीम अशरफ ने बहुत अलग गेंद की, 9 में 25 है, बहुत अलग गेंद की। मैंने सुबह भी सजेशन दी थी अगर फहीम को हारिस की जगह नया बॉल करा देते तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहती कि पुराने बॉल से, क्योंकि सलाइयां मैंने देखी फट गई थी सारी, बॉल फट गया था, बॉल सीधा, जब हारिस को जब ये पता चल जाए कि मुझे ये करना है उसके लिए जिंदगी आसान हो जाती है, किसी भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को ये पता चल जाए सिर्फ ये करना है तो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप बताएंगे शादाब से खुश हैं आप, इससे खुश हैं? शादाब ना यूटिलिटी प्लेयर है, अभी भी दिखाया उसको, ठीक है एक आध चांस मिला लेकिन है यूटिलिटी प्लेयर, एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। लेकिन बॉलिंग में आप अगर राशिद आज देखें, शुरू में तो बिल्कुल ही इनएफेक्टिव थे, पीछे लग रही थी, फिर मेरे खेल में बॉल था, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन क्या लेग स्पिनर को देखें, मैचेस कितने करते के बाद बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये बॉलर ही था जिसने पहले भी अच्छा परफॉर्म किया था, इसमें एक पैच आया है लेकिन बैटिंग में इम्प्रूव कर गया है, तो क्या कुछ मैच में अगर एज ए बैट्समैन भी इसको इम्प्रूव कराना पड़ेगा मैं, तो क्या आगे जाके ये इम्प्रूव कर सकता है। वर्ड ऑन हसनैन जी, क्योंकि फास्ट बॉलर है, 150 पे करता है, लेकिन कितना इफेक्टिव है, 10 आउट है अभी तक उसके वनडे। अगेन यार डॉक, अगर आप शादाब को फिर डेवलप करना पड़ेगा 10 ओवर के लिए। शाहिन शाह का मैं आज फिर देख रहा था यार, जंप लीग की छोटा हो जाता है जिनका, ठीक पहला फास्ट मैं आज फिर गल्प गौर से देख रहा था इसको, इसकी जो रनअप ठीक है, रन स्पीड ठीक है, जब जंप लेता है जंप छोटा लेता है और स्लो हो जाता है, फिर निकलता है मसल से, फिर निकल के तेज बॉल करने की कोशिश करता है अपर बॉडी से, लोअर बॉडी इसका मतलब है कि तो अगर उसका देखें कि स्ट्राइड है ना, जितनी टांगे ना उतना स्ट्राइड उसका इतना है, इतना स्ट्राइड है टोटल, हालांकि स्ट्राइड हमारा इतना होता था, ठीक तो पूरा स्ट्रेच करते थे कमान की तरह, तो मुझे शाइन का ये लगा। अगेन हारिस रऊफ का ये अगेन टांग की तरफ बॉल जा रही है, ऑन साइड पे जा रही है बॉल उनकी, पढ़ने के बाद एक होता है ना जोर से पढ़ के बाहर निकले, तो उसका जी खास है ना वो आउट स्पिन अच्छा करता नहीं। अब पहला मैच है राशिद, मैं ज्यादा उस पर करूंगा नहीं, क्योंकि पहले मैच में अभी उसका वो रिदम आ ही नहीं रहा, अभी वो T20 वाला फॉर्मेट मारू मारू मार 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 नहीं करनी, बॉल को पहुंचाना है, सेट ट्रैप सेट करने हैं, बॉडी को भी ट्रैप में सेट करना है, उसकी बॉडी को ट्रैप में सेट कर, बस वो माइंड सेट ऐसा ना। तो एक सवाल और बनता है फास्ट बॉलर का, बनता है ये बॉलर के उनके बॉलर जो बॉल कर रहे हैं तो डीकॉक यहाँ पकड़ा था हाथ ऊपर करके ना और लेंथ बॉल थी वो, हमारे थोड़ा पीछे भी मारते थे कीपर यहाँ पकड़ता है, क्या वजह आते हैं इसकी यार? यार एक तो देखें
पहली बात तो ये है कि देखें जो हारिस राउत का बाउंसर है वो बड़ा लीथल है. कितने बाउंसर ऐसे हुए हैं जो ऐसे किए पीछे, उसने नोकिया ने किए, नोकिया ने किए ना, नोकिया ने किए. थोड़ा सा झटका देना चाहिए था आज इनको. और जो मैंने जो देखा, मैंने जो शाइन का जो देखा, somehow वो पेस नहीं नजर आ रही मुझे जो मुझे आखिरी टेस्ट मैच में नजर आई शाइन से. आप ऑनेस्टली मुझे अब आपके सवाल का जवाब मैं ऑनेस्टली बताऊँ मुझे नहीं पता. वो आप ही दे सकते हैं जवाब, क्या है वजह है उसकी. ये मैंने जो देखा ना उनका एक्शन है, अगर हाई एक्शन है तो मारते हैं, थीम को इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के बाद. उनको अपनी मेथड पता है अपनी पिचेस का, तो अच्छी जगह पड़ती है और फ्लाई करती है. हमारे शायद उसको वो कहने लगा था फिरकी वाले हैं, फिरकी वाले हैं तो स्लाइड करके ऊपर चढ़ रहा, तो वो बॉल पड़ती है तो ज्यादा ऊपर नहीं जाती, बहुत पीछे मारनी पड़ती है. अच्छा, जो सुबह विकेट जो इजाज दे रहा था ना आपको, वो बॉल नहीं छोड़ रहा था. अगर आप सुबह का बाउंसर देखे ना, वो बॉल नहीं छोड़ रहा. अब शाम का बाउंसर निकाल के देख लीजिए, तो मेरे हिसाब से आई थिंक सुबह वाले जो बॉलिंग हुई है वो स्पंजी विकेट पे हुई है. ओके, मुझे ये लगा. और ये दूसरे से भी कहा कि मुझे लगा स्पंज इसमें काफी है, तो बाउंसर से गैदर नहीं हो पा रहा, हम खेलें क्या इसमें. सो आई थिंक एक आखिरी सवाल आपसे अगेन आपसे बनता है कि हारिस रऊफ का आप ये नहीं देखते हो कि जब वो नया गेंद करता है, सर राशिद ने कहा तो वो मिडिल लेफ्ट साइड पे डेविएट करता है, बट वो जब पुराना गेंद करता है तो वो ऑफ स्टंप लाइन पे तगड़ा गेंद करता है. तो डोंट यू थिंक कि वो नया गेंद हम एक्सपेरिमेंट सोचना भी नहीं चाहिए और उसको मिडिल ओवर में अगर देखें डेवलप ही करना ना, हमें डेवलप करना तो आपका पेशेंट होना पड़ेगा. ओके, बेसिकली ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, हमको भी नया बॉल नहीं आता था, ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन पेस था सवाई एक के, सब पेस था सवाई एक के. सो बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को, जिसके पास पेस नहीं था. आसिफ नहीं, आसिफ तो मैजिशियन था ना. सो दिस इज श्वेता, यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान के, बहुत बहुत मुबारक हो. हम बड़े खुश हैं, ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. और सारे यही कह रहे थे कि पाकिस्तान यहाँ 3-0 शायद हार गया है. ऐसा नहीं हो रहा भाई, पाकिस्तान यहाँ पैंटी लगाने में कामयाब हो गया. अब सिर्फ 2 रह गए हैं, एक और जीतना है, फिर उसके बाद लमे करके मारो साउथ अफ्रीका. टेक केयर, बाय. एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन, दैट्स फॉर श्योर.